देखिए, आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारे ढोलक प्लेइंग में भी ये चीज बहुत जरूरी है। हम स्टार्टिंग में क्या बजाते हैं उससे ही पता चलता है कि हम कितना प्रोफेशनली बजा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उठान की। ढोलक में उठान बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हर पैटर्न की दो दो उठाने बताऊंगा मैं। स्लो कहरवा, मीडियम कहरवा, फास्ट कहरवा प्लस खेमटा, यही ताले आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है गाने भजनों में। तो उठान आपकी क्लियर होगी कि स्लो के साथ आपने कौन सी उठान बजानी है, मीडियम के साथ कौन सी बजानी है। राइट, ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लीजिए मीडियम कहरवा बजा रहा हूँ तो ज्यादातर स्टूडेंट्स है ऐसे शुरू करते हैं। बट अगर इसकी जगह हम स्टार्टिंग में कुछ लगाएं, फॉर एग्जाम्पल, तो वो ज्यादा बेटर साउंड करता है। हर पैटर्न की दो दो उठाने बताऊंगा। एक बताऊंगा सिंपल वाली जो कि बजाने में मुश्किल नहीं होगी, दूसरी बताऊंगा ज्यादा प्रोफेशनल वाली जो कि बजाने में थोड़ी मुश्किल होगी। आपके पास हर पैटर्न के लिए दो दो ऑप्शंस होंगे, आपने तैयार दोनों करनी है। सबसे पहले स्लो कहरवा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बारी सिखाया है आप लोगों को। धिंता 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 धिंता। आते हैं सीधा उठान पे। पहले उठान थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसके बोल है तिटता 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 ता। जब हम बजाएंगे तो ती ट, इंडेक्स फिंगर पहली उंगली से ती, सेम पॉइंट पे ट, टिट ता। जब हम ता बजा रहे हैं तो यहाँ पे बेस स्लैप भी आएगी, टिट ता टिट ता टिट ता ता। जितनी बार ता बजा रहा हूँ बेस स्लैप। साथ में आप इसकी धुन देखिए, टिट ता टिट ता टिट ता ता, धिन ता धिन ता धिन ता धिन ता धिन ता धिन ता धिन ता। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं उठान को बीच में बजा सकते हैं, बिल्कुल, ये भी वैसे ही फिलर होते हैं जो कि बीच में बजाए जाते हैं। आप उसी फिलर को स्टार्टिंग में बजा लेंगे तो हम उसे उठान बोल देंगे। ठीक है, तो इन्हीं को बीच में भी यूज कर सकते हैं आप लोग। इसका दूसरे फिलर पे, स्लो कहरवा के दूसरे फिलर पे आते हैं। बट उससे पहले देखिएगा, आपको किसी भी तरह के अच्छे क्वालिटी ढोलक तबला चाहिए, आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो मैं ताले अपने चैनल पे सिखाता हूँ इन्हें प्रैक्टिकली गानों में कैसे अप्लाई करना है, तो इंस्टाग्राम पे और अपना जो नया चैनल है अनुज लोधी शॉर्ट्स, उन पे मैं गानों के साथ बजाकर डालता हूं। तो आप वहां पे चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली इन्हें यूज कैसे करना है। अगर आप ढोलक तबला प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके। इसकी दूसरी उठान है स्लो कहरवा की, बहुत सिंपल, मैंने बताया था एक प्रोफेशनल होगी एक थोड़ी सिंपल होगी। तो ये सिंपल वाली है, बजाएंगे कैसे, धा ता ता धा ता ता धा ता। एक बार और बिल्कुल स्लो धा बजाया, पहली उंगली का ही इसमें काम है, पहली उंगली के साथ बेस, धा ता ता धा ता ता धा ता धा ता ता धा ता ता धा ता। ये एग्जैक्ट उठान आपकी यूज हुई है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम उस गाने में, धिंता तिंता के साथ ये ली है उन्होंने। तो आपके स्लो कहरवा के दो उठाने हो गई, एक थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है बट ज्यादा बेटर साउंड करती है, ये वाली सिंपल है बट ये भी बहुत अच्छी साउंड करती है। आपके पास दो ऑप्शन है। मीडियम कहरवा पे आते हैं। मीडियम कहरवा तो सबसे ज्यादा यूज होता है एज यू ऑल नो। अभी इसमें सिंपल वाली ये देखिए, ये है, बोल है इसके ता के साथ बेस लैप, टिट के टी के साथ भी बेस लैप, एंड देन ट ता टी ट ता टी ट ता। एक बार और, जितनी बार ता बजा रहा हूं बेस लैप बजा रहा हूं और टिट के टी के साथ बेस लैप बजा रहा हूं, ता टी ट ता टी ट ता। राइट, इसकी दूसरी थोड़ी डिफिकल्ट है, क्रिकेट में है, ठीक है, बोल है क्रिकेट ता क्रिकेट तक तेरे किट क्रिकेट ता क्रिकेट तक तेरे किट। एक बार और, तीर किट तीर किट ता तीर किट तक ती
वन मोर टाइम, ती र की ट ता, ती र की ट तक, ती र की ट तेरे किट ता, तेरे किट तक, तेरे किट। चलिए एक और बता देता हूँ जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और बहुत सिंपल है। मीडियम कहरवा के लिए तीन हो गई हैं, बहुत सिंपल बट बहुत यूज होती है। कुछ नहीं है, ता तेरे किट, दैट्स इट। ता, ता में दोनों हाथ, ता तेरे किट, ता तेरे किट। इसकी भी आप तैयारी कीजिएगा। आते हैं फास्ट कहरवा। फास्ट कहरवा दुगुन, दोनों पे सेम तरह की उठाने लगाएंगे। दुगुन के साथ दिखा देता हूं। पहली, वन मोर टाइम, बोल है ता ती धा, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान देना है कि ता के साथ बेस स्लैप, ती यहाँ पे लोअर फिंगर्स, ता ती धा। वन मोर टाइम, ता ती धा, और जब धा बजा रहे हैं तो यहाँ पे बेस खुला, ता ती धा, तेरे किट तक, तेरे किट। वन मोर टाइम, ता ती धा, तेरे किट तक, तेरे किट। राइट, दुगुन में ही या फिर फास्ट कहरवा दोनों में एक इसमें थोड़ी सिंपल है, धा तेरे किट तक, तेरे किट, बहुत बेहतरीन लगती है। ऑलराइट, आते हैं खेमटा पे। खेमटा में जब आपने उठाने लेनी है तो देखिए एक बहुत ही फेमस फिलर है, ठीक है। इस फिलर को बहुत तरह से ता तेरे किट धिनता भी बजाते हैं, तिनता भी बजाते हैं। सिंपल करके बता रहा हूं, तिनता बजा लीजिए आप, ता तेरे किट तिन ता, ता में बेस लैप, ता तेरे किट तिन, पहली उंगली से अंदर बट ये बिल्कुल म्यूट है, ता तेरे किट तिन ता। इसी को धिन अगर बजाना है तो तिन के साथ यहाँ पे बेस लगा देंगे आप, ता तेरे किट धिन ता, ता तेरे किट धिन ता, धा तिन ता धिन। ऑलराइट, इसकी दूसरी उठान जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसके बोल हैं ताता किट ताता किट ताता किट ताता घिट ताता घिट ताता घिट। बजाना कैसे है, ताता की बेस स्लैप एंड देन ट, यही चीज पहले तीन बार, ताता किट ताता किट ताता किट, एंड देन तीन बार फिर ताता घिट ताता घिट ताता घिट। राइट, कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत परेशानी हो, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।